हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और आज का जो हमारे यहाँ का जो मौसम है ना फ्रेंड्स, क्या बोलूँ, अच्छा बोलूँ या ख़राब बोलूँ। गर्मी में अगर अपने टाइम पर हुआ होता ना ऐसा मौसम तो कहती कि बहुत अच्छा मौसम है, बट सम टाइम नहीं है इस चीज़ का, तो मौसम अच्छा नहीं। यानी कि आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और खेतों में लोगों की आधी फसल कटी है, आधी फसल वैसी खड़ी है। तो ये देखकर ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, किसान तो बिल्कुल ही बर्बाद होता जा रहा है। जैसे देखिए मौसम कैसा हो रहा है, और बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। मैं अभी आप लोग को बैक कैमरे से दिखा दूँगी। तो किसान तो ना हर तरफ से उसकी हार है बेचारा, वो क्या करे। और इस बार ना किसान तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल बर्बाद हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और क्योंकि जिस हिसाब से मौसम ने अपना मिजाज बना लिया है ना, तो ऐसा लगता है कि तैयार की फसल ना हाथ से चली जाएगी किसानों के। और अगर ऐसा रहा तो महंगाई भी और ज़्यादा बढ़ेगी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ समझ नहीं आता है। इस नेचर ने ऐसा पहले कभी नहीं किया जैसा अब इस साल हो रहा है। मुझे लगता है इधर एक दो सालों से ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं उठी हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और अभी जा रही हूँ, पहले ब्रश वगैरह करूँगी। ब्रश से पहले जो मैं ये देखी, मैंने अपनी दवाई भी बना के रखी हूँ। पहले ये कड़वा कड़वा मुझे काढ़ा पीना है, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी आराम है फ्रेंड्स, वरना मुझे घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी ना, बट वो दिक्कत अब मुझे बहुत कम है। तो सबसे पहले इसे पीऊँगी मैं, पहले कुल्ला करूँगी फिर इसे पीऊँगी, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करके नाश्ता वगैरह बनाऊंगी मैं। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, पहले दवाई पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए बनाया है नाश्ता हस्बैंड के लिए। तो आज मैंने बनाई है नमकीन दलिया, क्योंकि काफ़ी दिन से मीठी मीठी दलिया खा रहे थे, तो मैं कहा चलिए आज उनके लिए नमकीन दलिया बना लेती हूँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो ज़रूरी होता है चेंज होना फ्रेंड्स, तो मैंने आज उनके लिए बनाई थी नमकीन दलिया। तो चलिए उनको मैं दे देती हूँ खाने के लिए नाश्ता, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। और बताइएगा किसे किसे नमकीन दलिया पसंद है और किसे मीठी पसंद है। और ये है मेरी चाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो ना वाइट वाइट क्या दिख रही है, तो ऊपर से मैंने इसमें ना मलाई डाल ली थी, मलाई थी इसमें बेकार ही हो जाएगी, तो लाओ चलो अपनी चाय में डाल लेती हूँ। तो वो मलाई मैंने ऊपर से चाय में डाल ली, तो इसलिए वाइट वाइट लग रही है। तो चलिए दे देते हैं नाश्ता हस्बैंड को खाने के लिए। और देखिए मौसम फ्रेंड्स कैसा हो रहा है, बारिश बारिश हो रही, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो पूरा ना आज बहुत टाइम तक बारिश होती रही आज। और अभी ना जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ, बारिश रुक गई थी, तो देखिए अभी धूप इतनी तेज़ निकली ना, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ही नहीं हुई है। तो फिलहाल मेरा ना एक पॉट सा रखा हुआ था, उसमें मैं कहा चलो मैं एक पौधा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। गेंदे के पौधे बहुत सारे हो गए क्यारी में, मैंने फूल डलवा दिए थे उसके अंदर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेंदे के बेबी प्लांट हैं। तो मैं कहा चलो एक आधे इसमें ट्रांसफ़र कर देती, क्योंकि ना गमले जो हैं वो सारे टूट गए हैं, हमारा जो दोनों तरफ से खुला है ना एरिया, तो सांड आ जाते हैं हमारे यहाँ,
तो वो उन्होंने ना मतलब कुछ सांडों ने तोड़ दिया, कुछ कुत्तों ने तोड़ दिया, आपस में वो खेलते लड़ते थे ना, तो उस चक्कर में। तो ये देखिए अभी फिलहाल मैंने जो गमला है उसे खाली किया था, फिर उसमें मिट्टी डाल दी अपनी देखिए, और फिर उसके बाद इस गेंदे के पौधे को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैं कहा चलो एक रहेगा तो थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक रहेगा, जब बड़ा होगा तो इसे फिर किसी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे इसे। तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैंने कैसे लगा रखे टमाटर और लौकी। फ्रेंड्स मुझे ना गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन वही है ना टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाती हूँ, और ना मुझे बचपन से ही गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, लेकिन टाइम की वजह से है सारा चीज़। क्या क्या करूँ मैं, सब चीज़ मैं ही कर लूँगी तो और लोग क्या करेंगे, ये भी है। तो बस शौकिया तौर पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ अपना गेंदे का पौधा, आप लोग देखिए वीडियो। है शाम का टाइम, और ये देखिए फ्रेंड्स बाल्टी में कौन घुस के बैठा हुआ है, चोर अगेन, एक चोर और बाल्टी में घुस के बैठा हुआ, उसे और कहीं जगह नहीं मिली, और बेचारा घुस गया है तो निकल नहीं पा रहा है वो, क्योंकि छोटा सा है ना, बड़ा होता तो निकल जाता। तो ये देखिए बेचारा भी बहुत मशक्कत कर रहा है निकलने की, चलिए इसको छोड़ आते हैं बाहर। और अभी ये देखिए अभी पंखा ठीक करने वाले भी आए, क्योंकि जो मेरे रूम का जो पंखा था ना वो खराब हो गया था, और पता नहीं क्यों बिल्कुल चलते मतलब चल भी नहीं रहा था ये, चला ही नहीं सीजन आने पर, जब इसे चलाया गया तो चला ही नहीं है, और देख रहे हैं भैया और शायद बता रहे हैं कि पंखा जो है वो फूक गया है। तो ठीक अभी ये निकाल के ले जाएंगे, जो भी जैसे होगा ठीक करवा कर ये लेकर आएंगे, फिर इसको लगाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मेरा पंखा ठीक हुआ कि नहीं। तो चलिए ठीक है, तब तक उधर मैं अपनी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, जब तक ये भैया पंखा चेक कर रहे हैं, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये पंखा मेरा आ गया था ठीक होकर, मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ कि पंखा मेरा ठीक हो गया है। फ्रेंड्स तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी की फ़ोटो लगी है सामने, तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर अपने अगले नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।